विक्रम मजीठिया लैके वड्डी खबर है। अदालत तो राहत नहीं मिली है। न्यायिक हिरासत वादा हो चुकिया मजीठिया की। ड्रग मामलों के नामजद मजीठिया की बहाली की अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है। अदालत ने मजीठिया की न्यायिक हिरासत 4 मई तक वादा कर दिया है। वाधू जानकारी के लिए जतिंदर सभरवाल साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ चुके हैं। जतिंदर जी, की कुछ संभावना है अज न्यायिक हिरासत च वादा हो सकता है? देखो अमर, दर्शकों को दस दिए कि पिछले 2 महीने तो मजीठिया मतलब जड़ा जेल दे विच बंद है गया और ड्रग मामले दे विच नामजद और पटियाला जेल दे विच बंद आ। अज भी कितना ना कितने उन्होंने कमजोर थी कि उन्होंने निजी रूप दे विच पेश किया जा सकता वा, पर अदालत दे विच उन्होंने जिहड़ी पेशी हुई है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही ही करवाई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर तुम दस दिए कि उन्होंने कोई राहत नहीं दिती गई। उन्होंने न्यायिक हिरासत वादा होर हो गया वा और उन्होंने होर जेल में रहना पेगा। और तुम गल दस दिए कि जी अगली डेट आ और 4 मई जी पाई आ, 4 मई तक न्यायिक हिरासत जी वधा दिती गई है। कितने ना कितने उन्होंने बैरक भी चेंज की गई थी। अदालत के तर्क भी दिता गया वा कि उन्होंने जान को खतरा वा। मजीठिया ने बकायदा जमानत की मांग भी की थी जतिंदर जी, पर केस लगे धारावां मजबूर कर दिया ने हेठे अदालत नूं भी कि जमानत नहीं दिती गई। हुण की विकल्प हो सकते ने उन्हां दे सामने? देखो उन्हां दे जिहड़े वकील हैगे आ सोभती बड़े सीनियर एडवोकेट आ, जो जदों उह अदालत च पेश हुंदे आ तां किते ना किते निराशा हथ लगदी आ, दलीलां दित्तियां जांदियां ने कि बार बार न्यायिक हिरासत जिहड़ी आ वधाई जांदी आ, पर कितने ना कितने एक स्ट्रैटेजी बनाई जाऊगी। जिवें सुप्रीम कोर्ट तो राहत जरूर मिली थी इलेक्शन के दौरान, पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च अदालत ने गल कही थी भी तुम निचली अदालत जाओ। हुण जिवें डेट आ 4 मई, 4 मई तो बाद ही पता लगता वा, क्योंकि हुण अगर किसी ने किसी जमानत की एप्लीकेशन लाते भी आ तो रद्द हो सकती है, क्योंकि धारावां बहुत सख्त आ जिहदे विच मतलब मुजरम साबका डीएसपी जगदीप सिंह भोला, अमर सिंह चाहल, बिट्टू, कई साथी जिहड़े वड्डे वड्डे करोड़पति वे विच नामजद आ। और तुहानूं दस दईए कि वड्डे आरोप जिहड़े आ उह रिपोर्ट दे विच इह हैगे आ कि जिहड़ी कम हुंदा सीगा ड्रग दा उह जिहड़ी प्रॉपर्टी सीगी जिथे इह गैर कानूनी धंधा चलदा सीगा उह विक्रम सिंह मजीठिया दी सीगी। कुल मिला के इहदे विच जो संकेत मिल रहे आ, जो सरकार दी सख्ती आ, जो नवीं SIT बनी आ उहदी जांच दे मुताबिक जिहड़ी जिहड़ी रिपोर्टां जा रही ने, क्योंकि AG पंजाब भी बदल गए आ, अनमोल रतन सिद्धू आ गए आ, और मेरे ख्याल दे नाल जो साडा तजर्बा वा पत्रकारी दा उहदे मुताबिक जिहड़ियां धारावां जिवें सरकार ने सख्ती कीती हुई आ उहदे मुताबिक जमानत मिलनी बहुत औखी आ। 4 मई डेट पा दिती गई आ, 4 मई तक जेल च रहना पऊगा, 4 मई तो बाद च पता लगूगा भी अगली डेट विच कोर्ट की ऑर्डर दिंदी आ। जी अमर, जतिंदर जी फिर भी उन्होंने फिजिकली अज पेशी के लिए उपलब्ध रहना पवेगा, इस तरह की कोई खबर है तुहाडे कोल? किस तरह की हलचल चल रही है उत्थे? बिल्कुल जी, जो पिछली अदालत जो पिछली सुनवाई हुई थी तो विक्रम मजीठिया दी नू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही पेशी करवाई थी। उस टाइम जज साहब ने एक सख्त टिप्पणी की थी कि तुम 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इन्हों पेशी करवा चुके हो, पर कितने ना कितने विक्रम सिंह मजीठिया निजी तौर पर जिन्हों कह सकते कि परसनल अपीयरेंस के रूप से जिवें आप कोर्ट से जाते हैं दोषी जाते हैं उस तरीके कोर्ट में जाना लाजमी सीगा, पर इस बार फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही पेश हो या कितने ना कितने कोई तर्क दिता गया होगा कि पटियाले तो मोहाली आते जाते राह च कोई जान माल को खतरा वा। तुसी जिवें पहला भी एक स्टोरी जी दर्शकों के सामने लियांदी सी अमर जी, तुहानूं याद होगा तुसी गल कही सी कि विक्रम सिंह मजीठिया ने गल कही है कि मेरी जान को खतरा वा, तुहाडी गल बिल्कुल सही आ, उही ऑर्डर जिहड़े आ उसते मोहर लगी आ जो तुसी कहा सीगा, और कोर्ट ने भी शायद रायत दिती आ कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही ही पेशी जिहड़ी आ उन्हां दी कबूल कर ली गई आ। पर फिलहाल दी घड़ी हुण 4 मई नूं उन्हां नूं निजी रूप च पेश होना पएगा, राहत तां मिलेगी तां आने वाला समा दसूगा भी ऊठ किस पर्वत बैठदा वा। जी अमर, ठीक है जी, धन्यवाद।